विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार के प्रांगण में। तो भारत को विश्व गुरु बनाने का श्रेय जो है वो बिहार को जाता है। भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जो है ना विश्व प्रसिद्ध तीन विश्वविद्यालय थे, जिसमें की पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा और तीसरा विक्रमशिला। इसमें से दो विश्वविद्यालय बिहार के प्रांगण में था। दो जय माता दी, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। आप सभी को पता होगा कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, और विश्व गुरु क्यों कहा जाता था ये आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था और किसके कारण कहा जाता था। तो भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जो है ना विश्व प्रसिद्ध तीन विश्वविद्यालय थे, जिसमें की पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा और तीसरा विक्रमशिला। इसमें से दो विश्वविद्यालय बिहार के प्रांगण में था। दो विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार के प्रांगण में। तो भारत को विश्व गुरु बनाने का श्रेय जो है वो बिहार को जाता है। बिहार अभी के समय में भले बहुत ही पिछड़ गया हो, लेकिन बिहार का जो योगदान है वो अपने आप में काफी सराहनीय है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है बिहार, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान समय में पटना कहा जाता है। और इसकी राजधानी जो है पटना, पर इस शहर को उदयनी ने बसाया था। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं मैप में बिहार, बिहार जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार भारत का सबसे 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यदि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। बुद्ध, जैन, तमाम प्रकार के जो है, महात्मा गांधी की भी कर्म भूमि रही है बिहार। वह भी जो है अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है कहाँ से किए थे? चंपारण से किए थे। तो आइए आज के वीडियो में जो है ना बिहार के अलग अलग पहलुओं को जो है हम समझेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है मैप के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के जो है 38 के 38 जिले वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो देखिए आपको ये यहाँ पे जगह दिख रहा होगा छोटा सा, ये जगह जो है शिवहर है, बिहार का सबसे छोटा जिला है। और ये ऊपर का जो बड़ा वाला जगह दिख रहा है ये पश्चिमी चंपारण है, ये जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। देखिए, यदि हम बात करें कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में कुल जो है वो 38 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं बिहार में? बिहार में वर्तमान समय में कुल 38 जिले हैं। यदि 1951 की बात करें तो उस समय बिहार में कुल 18 जिला था, जो कि समय के साथ बढ़ के 55 हो गया था 90 के दशक में बिहार में कितने जिला थे? तो 55 जिला था। लेकिन 2000 ईस्वी में जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होता है, तो उसके बाद जो है बिहार में महज 38 जिले बच जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैप है बिहार का, और इसमें जो बीच में ये रेड कलर का दिख रहा है ये बिहार की राजधानी पटना है। ये जो है मैप में बिहार की राजधानी पटना है। तो ये जो है बिहार का मैप है, और इस मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो याद रखने वाली पॉइंट है वो ये है कि ये जो है आकृति में रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है? लगभग रेक्टेंगुलर शेप में, एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार। ठीक है, तो बिहार का शेप कैसा है? चतुर्भुज के आकार का शेप है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में है। बिहार को जो है 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रमंडल जो है वो सारण है। बिहार के प्रमंडल को देखिए, पहला प्रमंडल कौन है? सारण है। सारण जो है ये आपको मैप में आप देख पाते हैं, ये सारण प्रमंडल है। अगला प्रमंडल जो है वो तिरहुत प्रमंडल है। दूसरा प्रमंडल कौन सा है? तिरहुत प्रमंडल। बिहार को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, पहला प्रमंडल सारण याद रखना है, दूसरा प्रमंडल जो है वो तिरहुत प्रमंडल है। ठीक है, तीसरा प्रमंडल जो है उसको दरभंगा प्रमंडल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? दरभंगा प्रमंडल। और चौथा प्रमंडल देखिए, दरभंगा के जस्ट बगल में जो है ये है सहरसा प्रमंडल। ठीक है, इसे कोसी प्रमंडल भी कहा जाता है। ज्यादातर किताबों में जो है इसे कोसी प्रमंडल ही कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये कोसी बाहुल्य क्षेत्र जो है, इसमें क्या क्या पड़ जाता है? सहरसा पड़ता है, समस्तीपुर पड़ता है। ठीक है,
ये सब जगह जो है इसमें पड़ता है, सब एक एक करके आपको हम बताएंगे। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल पड़ता है, ये आप देख सकते हैं पूर्णिया प्रमंडल। तो एक दो तीन चार पांच, ऊपर पांच और नीचे चार, ऊपर पांच नीचे चार, ठीक है। तो कुल मिला के 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। उसके बाद जो है भागलपुर प्रमंडल आता है। भागलपुर प्रमंडल में जो है 2 जिला है वर्तमान समय में, कौन कौन जिला है वो है भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका, ठीक है। उसके बाद आता है मुंगेर प्रमंडल। उसके बाद क्या आता है मुंगेर प्रमंडल। प्रमंडल को किसी किसी बुक में जो है ना प्रमुख मंडल भी लिखा गया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, ये डिवीजन है, 9 के 9 डिवीजन है। उसके बाद ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये जो है कौन सा है, ये मगध है। ये क्या है, मगध है, ठीक है। पुराने समय से ही जो है ना मगध का वर्चस्व रहा है, तो ये मगध है। और ये वाला जो आपको मेरा फेवरेट कलर है ये मेहरून, तो मेहरून कलर का जो ये दिख रहा है ये पटना डिवीजन है, ठीक है। तो इस तरह से सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना, कुल मिला के 9 डिवीजन में जो है बिहार के सभी जिलों को बांटा गया है। कितने जिलों में, कितने प्रमंडलों में बांटा गया है, 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। देखिए ये अब आपका मैप हो गया। अब इस मैप के माध्यम से हम देखेंगे कि सभी प्रमंडल में कौन कौन से जिले पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सारण प्रमंडल की। तो सारण प्रमंडल में 3 जिले पड़ते हैं। सारण प्रमंडल में कितने जिले पड़ते हैं, 3 जिले पड़ते हैं। कौन कौन सा जिला पड़ता है, सारण पड़ता है, सिवान पड़ता है और गोपालगंज पड़ता है। सारण पड़ता है, सिवान पड़ता है और गोपालगंज पड़ता है, ठीक है। आपको याद रखना है सारण, ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का, ये सारण है और इसके जस्ट ऊपर सिवान, और ये वाला जो है ये गोपालगंज है। ये क्या है, गोपालगंज, ठीक है। हमारे प्रिय मित्र जो है कवि बाला बिहारी, जो कि एक भूकंपी कवि हैं, काफी फेमस हैं, हमारे प्रिय मित्र वो कहां से आते हैं, गोपालगंज से आते हैं, और काफी हिंदुत्ववादी कवि हैं, बहुत ही अच्छा कविता करते हैं। तो ये जगह जो है मेरे लिए काफी वेल नोन है। अगला प्रमंडल की यदि हम बात करें तो ये तिरहुत प्रमंडल है, और तिरहुत प्रमंडल में यहां से लेकर ये 6 जिला आता है, जिसमें से कि बिहार के सबसे बड़े जिले चंपारण भी आ जाते हैं, ठीक है। पश्चिम चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है, पश्चिम चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है, और ये किस प्रमंडल में आता है, ये तिरहुत प्रमंडल में आता है, ठीक है। अब पश्चिम चंपारण के जस्ट नीचे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है पूर्वी चंपारण। ये क्या है, पूर्वी चंपारण। देखिए सबका मुख्यालय अलग अलग जगह है, जैसे कि पूर्वी चंपारण का मुख्यालय जो है ना मोतिहारी में, और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, वो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया में। कहाँ है, बेतिया में। अच्छा ये छोटा सा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पीला कलर का, ये शिवहर जिला है, सीतामढ़ी के जस्ट नीचे, यानी कि बॉटम साइड में पड़ता है, सीतामढ़ी से जस्ट नीचे कौन सा पड़ता है, शिवहर पड़ता है, ठीक है। ये सबसे छोटा जिला है बिहार का, बिहार के 38 जिला में सबसे छोटा कौन सा हो गया, शिवहर हो गया, और सबसे बड़ा कौन हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया। अब उसके बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 6 के 6 जिला मिलकर क्या बनाता है, तिरहुत प्रमंडल बनाता है। अगला प्रमंडल है दरभंगा प्रमंडल, ठीक है। तो दरभंगा प्रमंडल में देखिए कि 3 जिला आता है। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले समस्तीपुर, दरभंगा प्रमंडल में जो जिला आता है ये 3 जिला आता है, ठीक है, जिसमें कि समस्तीपुर, उसके बाद दरभंगा, और जस्ट उसके ऊपर जो है ये वाला, ठीक है, समस्तीपुर देख रहे हैं आप, समस्तीपुर के ऊपर दरभंगा, दरभंगा के ऊपर पे मधुबनी। ये 3 जिला जो है ये किसमें आता है, ये दरभंगा प्रमंडल में आता है, ठीक है। ये दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन आ गया, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। मधुबनी का पेंटिंग जो है विश्व प्रसिद्ध है। अब आते हैं अगले प्रमंडल पे। अगला प्रमंडल है कोसी प्रमंडल। अगला प्रमंडल क्या है, कोसी प्रमंडल, ठीक है। कोसी प्रमंडल जो है उसमें भी 3 जिले आते हैं। उसमें कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। कौन कौन जिला आता है तो मैप के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो सुपौल आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, सुपौल, ठीक है। सुपौल जो है कोसी प्रमंडल का ऊपरी जिला है। उसके बाद सहरसा आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सहरसा, ठीक है। सुपौल आ गया, सहरसा आ गया, और उसके बाद ये जो है आपको दिख रहा होगा ये वाला पीला कलर का, ये मधेपुरा है। तो मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, ये 3 मिलके जो है कोसी प्रमंडल बनाता है। ये 3 मिलके क्या बनाता है, कोसी प्रमंडल। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा मिलके क्या बनाता है, कोसी प्रमंडल बनाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रमंडल की। तो अगला प्रमंडल जो है वो कौन सा है, वो है पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल जो है वो
क्या क्या मिलके बनता है इसको देख लीजिए। तो देखिए पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन जगह आ जाएगा, तो सबसे पहले ये अररिया आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, अररिया आ जाएगा। अररिया के जस्ट बगल में जो है ये किशनगंज, किशनगंज आ जाएगा, ठीक है। तो अररिया किशनगंज, ठीक, और ये पूर्णिया, अररिया किशनगंज पूर्णिया और ये कटिहार, ठीक है, अररिया किशनगंज पूर्णिया और कटिहार, ये जगह जो है कटिहार है, ये कौन कौन सा जगह है, कटिहार है। तो अररिया किशनगंज पूर्णिया और कटिहार। अच्छा किशनगंज से आपको याद रखना है यहां जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला बिहार का जो है जिला कौन सा है, तो वो है किशनगंज, ठीक है। तो ये पूर्णिया प्रमंडलीय, पूर्णिया डिवीजन में क्या क्या आ गया, अररिया किशनगंज पूर्णिया और कटिहार, ये चार जो है पूर्णिया डिवीजन में आ सकता है। उसके बाद अब बात करें यदि हम भागलपुर डिवीजन की, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपके सम्राट सर कहां से हैं, भागलपुर से हैं, ठीक है। तो भागलपुर डिवीजन में दो आता है, भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका, ठीक है। आदित्यपुरम के फाउंडर एंड सीईओ आदित्य सम्राट कहां से हैं, तो भागलपुर से हैं, ठीक है। तो भागलपुर डिवीजन में दो आ जाता है, भागलपुर और बांका। लोकेशन देख लीजिए, ये यहां पे जो है ये भागलपुर है, ठीक है। इसे अंग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था पहले, कर्ण की भूमि रही है, इसके जस्ट नीचे पड़ता है बांका, ठीक है। तो भागलपुर प्रमंडल हो गया। अब भागलपुर प्रमंडल के बाद यदि हम बात करें, ठीक है, तो उसके बाद आता है मुंगेर प्रमंडल। उसके बाद क्या आता है, मुंगेर प्रमंडल। अब देखिए मुंगेर प्रमंडल थोड़ा बड़ा है, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन जिले आ जाते हैं इसको देख लीजिए। सबसे पहले आता है जमुई, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल में सबसे पहले क्या आ गया, जमुई। जमुई के जस्ट ऊपर जो है वो फिर क्या आ जाएगा आपका मुंगेर। मुंगेर से थोड़ा सा और ऊपर चलिए तो उसके बाद आपका क्या आएगा, खगड़िया। खगड़िया से जस्ट थोड़ा सा साइड में देख लीजिए तो आपको कौन सा मिलेगा, आपको जिला मिलेगा बेगूसराय। बेगूसराय के जस्ट बगल में लखीसराय, लखीसराय ये देखिए, ये खगड़िया के बगल में बेगूसराय है और देखिए बेगूसराय के जस्ट बगल में लखीसराय है, ठीक है। बेगूसराय के जस्ट बगल में क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये लखीसराय का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये लखीसराय का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहां पे शेखपुरा, ये भी जो है मुंगेर प्रमंडल में ही आता है। तो कुल मिला के मुंगेर प्रमंडल में छह आते हैं, कितने आ गए, छह आ गए मुंगेर प्रमंडल में, छह। तिरहुत प्रमंडल में भी छह, ठीक है। अच्छा और ये जो है दरभंगा प्रमंडल में कितना, तीन, ठीक है। और कोसी प्रमंडल में भी तीन, और ये पूर्णिया प्रमंडल में चार, यहाँ पे दो, छह। उसके बाद बात कर लेते हैं मगध प्रमंडल की। तो प्राचीन काल में ही मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था, ठीक है। तो मगध प्रमंडल में क्या आ जाता है, नवादा आ जाता है, गया आ जाएगा, औरंगाबाद आ जाएगा। नवादा, गया, औरंगाबाद, ठीक है, यहीं पे जो है, गया में ही बौद्ध गया जो है, जहां पे गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, काफी फेमस है। अच्छा देखिए बौद्ध गया के जस्ट ऊपर पे जहानाबाद और अरवल आता है, ये जगह जो है अरवल है, ये जगह कौन सा है, अरवल, अरवल और जहानाबाद, ठीक है। और ये जगह है औरंगाबाद, ये जगह क्या है, औरंगाबाद। अच्छा देखिए सबसे कम वर्षा होता है वो कहाँ होता है, औरंगाबाद में। एक गाना था अक्षय कुमार का, टिप टिप वर्षा पानी, तो उसमें देखिए अक्षय कुमार ने ऑरेंज कलर का ब्लेजर पहना था, किस कलर का ब्लेजर पहना था, ऑरेंज कलर का, तो ऑरेंज से याद रखिए औरंगाबाद, ठीक है। टिप टिप यानी कि एक दो बूंद, तीन बूंद, चार बूंद, बहुत कम। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद में, ठीक है। वैसे याद रखना है कि एक गाना है टिप टिप वर्षा पानी अक्षय कुमार का, उसमें अक्षय कुमार ने कौन से कलर का पहना है, ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें भी छह जिले आ गए, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने फाइनल पटना प्रमंडल की। तो पटना में रोहतास, कैमूर, ठीक है, पटना में भी टोटल छह जो है जिला है। कौन कौन सा जिला है, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, फिर उसके ऊपर देखिए बक्सर हो गया, बक्सर के फिर जस्ट बगल में देख लीजिए, ठीक है, ये भोजपुर हो गया, भोजपुर के बाद पटना, पटना के जस्ट नीचे नालंदा आ जाएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, पाल वंश के शासक ने उन्हें बनवाया था, किसने बनवाया था, पाल वंश के शासक ने बनवाया था, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए पटना के जस्ट नीचे क्या आ गया, नालंदा आ गया। तो ये नालंदा, पटना और उसके बाद फिर रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर, ये सब मिलके जो है कौन सा प्रमंडल बन गया,
ये बन सब मिलके पटना प्रमंडल बन गए। इस तरह से जो है कुल मिला के सभी 38 के 38 जिलों के बारे में आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए लव यू टू। जय हिंद।